हेलो ऑल सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑथराइजेशन क्या होता है एंड पोस्टमैन के अंदर एपीआई के ऊपर आप ये ऑथराइजेशन कैसे अप्लाई करते हो सो लेट्स गो थ्रू एंड लर्न अबाउट इट ऑथराइजेशन जब भी हम यहाँ से कोई डेटा भेज रहे हैं सो so उस डेटा को हम एक ऑथेंटिकेटेड करके भेजते हैं सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम लोग यहाँ से मल्टीपल वेज होता है जिसके थ्रू हम ऑथराइज करके डेटा को सेंड करते हैं

फ्री या ओपन एपीआई नहीं देती है दैट इज अ पेड एपीआई एज वेल एज वहां पे सिक्योरिटी के पर्पज कुछ ऑथेंटिकेशन रखे हुए हैं सो उन मल्टीपल टू ऑथराइज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जी मेल अकाउंट है तो देर इज अ मल्टीपल वे की आपका पासवर्ड होगा आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा आपका ओटीपी बेस्ड होगा सो so, अलग अलग तरीके होते हैं ऑथराइज करने के ताकि वो एक सिक्योरिटी रख सके कि आइडेंटिफाइड यूजर ही उसे एक्सेस करे सो लेट सी वर दराइजेशन वे सो सबसे पहला आता है इनहैरिट ऑथोराइजेशन फ्रॉम पेरेंट ये आपका बाई डिफॉल्ट यही ऑथराइजेशन होता है इस ऑथराइजेशन में क्या होता है कि जो आपका पेरेंट का आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है ऑथोराइजेशन वे बाय डिफॉल्ट चाइल्ड का भी वही ऑथराइजेशन वे होगा सो so, लेट्स सो so, हमने पोस्टमैन uh, ओपन किया एंड पोस्टमैन ओपन करके लास्ट टाइम जैसे हमने सीखा था कि हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर uh, हम एक रिक्वेस्ट बनाते हैं तो जब आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो कलेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर एक ऑथराइजेशन होगा यहाँ पे जब आप ऑथराइजेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑथराइजेशन आपको दिखाया जाएगा आपको जो ऑथराइजेशन आपके एपीआई पे अप्लाइड है आप वो ऑथराइजेशन यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे सबसे पहला आता है ऑथराइज नो ऑथराइजेशन सो मैंने यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन अप्लाई नहीं किया जब मैं इसके अंदर जो रिक्वेस्ट फोल्डर है उस पे आऊंगी तो उसके अंदर भी ऑथराइजेशन वाला एक टैब होगा अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या है इनहेरिट ऑथराइजेशन फ्रॉम पेरेंट इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेन कलेक्शन के ऊपर जो भी ऑथराइजेशन अप्लाई किया होगा बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर के ऊपर भी वही अप्लाई होगा आप चाहें तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं आप यहां से भी नो no ऑथराइजेशन या कुछ भी जो भी आपको करना है यू कैन डू दैट सेम आप रिक्वेस्ट पे जाते हो तो आप हर एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर ऑथराइजेशन अप्लाई कर सकते हो सो so, आप रिक्वेस्ट पे गए ऑथराइजेशन वाले टैब पे क्लिक करिए देन टाइप uh, पर आएगा उस टाइप पे क्लिक करो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑथराइजेशन आएगा बाय डिफॉल्ट होगा इनहेरिट ऑथराइजेशन फ्रॉम पेरेंट कि जो भी आपने इस फोल्डर पे लगाया या इस कलेक्शन पे लगाया बाय डिफॉल्ट वो ही इस पे अप्लाइड होगा सो इस तरह से आप ऑथराइजेशन डिसाइड कर सकते हैं सो दे आर मल्टीपल ऑथराइजेशन Uh, हमारा एक प्रोजेक्ट आएगा आगे जिसके अंदर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो so, अगर इस पॉइंट पे आपको ऑथराइजेशन इतना क्लियर नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके okay. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ऑथराइजेशन मतलब हम किसी यूजर को रिक्वेस्ट अगर वो भेज रहा है तो हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि वो करेक्ट यूजर है या नहीं सो so, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन होते हैं So, पहले जैसे हमने देखा इनहेरिट ऑथराइजेशन फ्रॉम पेरेंट कि जो भी parent पे पे है वो ही ही हमने पे apply किया किया no मतलब कोई authorization apply ही नहीं एपीआई की वैल्यू के फॉर्मेट पे डेटा सेंड कर रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एपीआई की यूज किया है तो जैसे मैं एपीआई की यूज करूंगी यहाँ पे एक की आ जाएगा यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा अब आपको फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने ले लिया आई डी एंड यहाँ पे मैंने एक आई डी लगा दिया टेन ए एस पी एच ये आपको जो भी डेवलपर होंगे वो जिन्होंने ये एपीआई बनाया है वो आपको उसका ऑथेंटिकेशन डिटेल देंगे तो यहाँ पे आपने की एन वैल्यू लिखा अब आपको यहाँ पे इसको कहाँ ऐड करना है हेडर में ऐड करना है या फिर क्वेरी पैरामीटर में एड करना है अगर हेडर में ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा की वैल्यू सी आई डी एंड दिस अगर मैं यही ऑथराइजेशन को क्वेरी पैरामीटर में ऐड करती हूं सो so आपके क्वेरी uh, पैरामीटर के साथ ये डेटा जाएगा मतलब यूआरएल के अंदर आपका ये डेटा जाएगा कमिंग टू द बॉड पैरामीटर में अगर आप आएंगे तो देखो ऑटोमेटिकली पे पैरामीटर ऐड हो गया है क्लियर सो आर थिंग्स जिसके बेसिस पे हम लोग ऑथराइजेशन uh, अप्लाई करते हैं तो ये आपका एपीआई की हो गया अनदर वन इज बियर बियर टोकन टोकन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बियर टोकन में क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको यूनिक टोकन आईडी दी जाती है एक यूनिक टोकन कोड जनरेट होता है नॉट ओ टीपी बट एक बहुत बड़ा टोकन uh, कोड यहाँ पे जनरेट होता है जब आप वो टोकन कोड डालोगे तो वो पर्टिकुलर यूजर को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिक्वेस्ट जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हो तो आपका एक अकाउंट नंबर होता है राइट right? so, या आपका क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट कार्ड नंबर होता है सो दैट इज जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी एक बेयर टोकन होता है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर यूजर को और वो मेंटेन भी रहता है सो so, आप हम आगे जाके इसी बियर टोकन को यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे जैसे आप बीए टोकन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जैसे इसने बटेफॉल डाल के दिया है वैसे एक यूनिक डेटा यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से आपका एक यूनिक डेटा होता है फिर आता है बेसिक ऑथेंटिकेशन बेसिक ऑथेंटिकेशन इज जस्ट लाइक यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आपको यूजर नेम लिखना है पासवर्ड लिखना है जैसे आप फेसबुक में लॉग करते हो अः uh, जीमेल में लॉग करते हो जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पे भी यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखना होता है फिर आता है आपका ओ ऑथेंटिकेशन ओ ऑथेंटिकेशन इज लाइक थर्ड पार्टी एक्सेस तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमर की दिया जाएगा कुछ सीक्रेट की दिया जाएगा कुछ एक्सेस टोकन दिया जाएगा फिर टोकन सीक्रेट दिया जाएगा तो इसका पूरा एक एनक्रिप्शन सिग्नेचर बनेगा फिर डेटा ट्रांसफर होगा ताकि कोई कितना भी कोशिश करे हैक करने की वो ना हो तो कई बार जैसे आपने देखा होगा आ, यूपीआई जनरेशन वाला होता है जैसे अमेजोन के अंदर यूपीआई को आपने यूपीआई यूपीआई करके जो एपीआई उसको ऐड कर दिया तो एमेजॉन डिफरेंट है यूपीआई का आप लगे ना अलग है तो दो अलग चीजों को आप जोड़ रहे हो तो वो डायरेक्टली नहीं होगा उसमें हाई ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा हमें तो उस टाइम पे हम ये ओ ऑथराइजेशन यूज करते हैं सो वन इज अ एडवांस एंड वन इज बेसिक एंड टू इज एडवांस जिसमें और हमने हेडर में कुछ प्रिफिक्स ऐड करना है न्यू uh, टोकन बनाना है देर आर मल्टीपल ऑफ क्रिएटिंग दिस सो पे हम बहुत सारी डिटेल डालते ताकि हम जो टोकन जनरेट कर रहे हैं वो हम बहुत ज्यादा सिक्योर कर सके सो देंटिकेशन ए डब्ल्यू ए सिग्नेचर दट इज फॉर एमेजोन वेब सर्विस तो आप जैसे एडब्ल्यू एस सिग्नेचर पे चाहते हैं तो ए डब्ल्यू एस अगेन एक्सेस की और सीक्रेट की देता है की इट्स लाइक जैसे आपने कभी भी मूवीज में देखा होगा या लॉकर्स में देखा होगा क्योंकि दो चाबी एक साथ लग रही तो लॉक खुल रहा है सो so, एक चाबी ऑलरेडी बैंक के पास होती है और एक चाबी आप अपनी देते हैं तो so, यहाँ पे यही है दिस इज वन द सीक्रेट की एंड वन इज द एक्सेस की सो आपका एक्सेस की यहाँ से ट्रेवल करेगा बैंक के पास भी एक सीक्रेट की होगा यही वाला जो आपने यहाँ पे रखा है या सर्वर के पास भी यही एक सीक्रेट की होगा यहाँ से आप एक्सेस की ट्रांसफर करोगे वहां पे वहां पे एक्सेस की, की दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होगा सो so, आपको कौन से रीजन में चाहिए क्या सर्विसेज चाहिए ईस्ट में नॉर्थ में किस में आपका सेशन टोकन क्या है तो ये सारी चीजें हमें एडब्ल्यू के थ्रू सिग्नेचर में मिलती है और एडब्ल्यू एपीआई के हेल्प से हम ये ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं सेम डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन ये टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन है दैट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन सो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन में यूजर ने पासवर्ड पहले हम डालेंगे उसके बाद ये सारी डिटेल्स डालेंगे कौन से एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं ओटीपी uh, वगैरह जनरेशन करने के लिए FIR uh, Hawk authentication is a partial crypto verification to authenticate their request, which is an API uh, authentication ID value. And Hawk key, we, uh, which is your API authentication key, is required for authentication under. अंडर दिस ऑथ टाइप सो हॉक ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि पूरा क्रिप्टोग्राफिक पे चलता है कि आपका डेटा पूरा एनक्रिप्ट होके फिर ट्रांसफर होगा फिर ऑटोमेटिकली वहां पे जाके डिक्रिप्ट होगा फिर वापस एनक्रिप्ट होके आएगा फिर यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा सो ये पूरा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे चलता है ये एन टी एल ऑथेंटिकेशन जो है वो विंडोज के लिए अप्लाई किया जाता है विंडोज सिस्टम के लिए अका एड ग्रिड जो है इट इज ऑल्सो एन ऑथेंटिकेशन टाइप पार्ट अमंगी यू आर एल और पैरामीटर विच इंक्लूड्स योर डेटा सो दैट द यूजर कैन सी हाउ दी डेटा विल सेंड बिफोर दे रन द रिक्वेस्ट सो अकाई में हम लोग क्या करते हम लोग यहाँ पे हेडर में बॉडी में यू आर एल में या तो पैरामीटर में कुछ ऐसा डेटा भेजते कुकीज के जैसा तो जिससे क्या होता है कि यूजर आइडेंटिफाई हो सके सर्वर पे और वो प्रॉपर रिक्वेस्ट रन कर सके So, ये सारे ऑथराइजेशन टाइप्स होते हैं आपके डेटा ट्रांसफरिंग के लिए या डेटा को ऑथेंटिकेट करके फिर ट्रांसफर करने के लिए